हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोसील के बारे में। देखिए, नाम तो सबने सुना है, लेकिन एग्जैक्टली ये होता क्या है और क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें को लेकर के लोगों में अभी भी भ्रम है। तो इसी चीज़ को आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हाइड्रोसील जैसी कंडीशंस में होता क्या है। तो देखिए, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हाइड्रोसील में क्या होता है कि फ्लूइड लिक्विड जो है वाटर एब्डोमिनल फ्लूइड स्क्रोटम में फिल हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, देखिए मैंने एक नॉर्मल से डायग्राम के थ्रू ये बताने की कोशिश भी की है। देखिए, ये हमारा, अगर ये रेड पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल स्क्रोटल एनाटमी है ये। ठीक है, जो ह्यूमन स्क्रोटम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो स्क्रोटल का स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए मैंने एरोस दिखाया है, दिस इज़ द एब्डोमिनल फ्लूइड। ठीक है, ये एब्डोमिनल फ्लूइड जो है, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रोसेसस वेजाइनालिस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रोसेसस वेजाइनालिस, जो कि जनरली क्लोज्ड होती है। ठीक है, प्रोसेस वेजाइनालिस नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज्ड होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेसस वेजाइनालिस ये नॉर्मल कंडीशन में कुछ इस तरह से दिखती है। आपको ये ब्लैक कलर से मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसी दिखती है, ये जो ब्लैक कलर की डार्क सी लाइन है ये ऐसे दिखती है। ठीक है, लेकिन ये अभी क्लोज्ड है। अगर यही पाइप ओपन हो जाती है, इसका एब्डोमिनल फ्लूइड से कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो क्या होता है, ये देखिए रेड कलर से मैंने दिखाया है, यहाँ लिक्विड फिल हो जाता है, और इस लिक्विड के फिल होने की वजह से ये जो स्क्रोटम है ये स्वेल किया हुआ फील होता है, ऐसा लगता है इसमें स्वेलिंग आ गई है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर टेस्टिकल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर टेस्टिकल्स लगे हुए होते हैं। ओके, तो ये नॉर्मल स्क्रोटल एनाटमी है। इसी में मैंने हाइड्रोसील यानी कि डिसीज कंडीशन को भी दिखाने की कोशिश की है आपको, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कुछ इसका ये पार्ट जो है एब्डोमेन से कनेक्ट है, यानी कि आपके पेट से, तो यहाँ पे एब्डोमिनल फ्लूइड होता है। एब्डोमिनल फ्लूइड जो होता है इस पाइप के थ्रू अगर आ करके यहाँ पर फिल होता है स्क्रोटम रीजन में, तो स्क्रोटम क्या होते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और इसी कंडीशन को हाइड्रोसील कहा जाता है। वैसे तो ये पाइप के थ्रू लिक्विड आता है, वैसे जनरली ये पाइप प्रोसेसस वेजाइनालिस नाम है जिसका, ये बंद होती है। ठीक है, इसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोसील, मैं आपको बता देती हूँ कि जनरली ये न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं ना, 10% केसेस उसके होते हैं, जो नए नए बच्चे जो पैदा होते हैं, 10% बेबीज़ में, न्यूली बॉर्न बेबीज़ में ये हाइड्रोसील वाली कंडीशन होती है, जो कि साल भर के अंदर, जैसे ही बच्चा साल भर का होता है, तो ये हाइड्रोसील वाली कंडीशन अपने आप ठीक हो जाती है, कोई सर्जरी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, और एडल्ट्स की अगर बात करें तो 1% एडल्ट मेल में भी ये हाइड्रोसील होता है, 1% एडल्ट मेन में भी ये हाइड्रोसील होता है, जिसके जो ऑफन अपने आप ही ठीक हो जाता है, जनरली इसके कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर ये नहीं ठीक हो रहा है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो क्या हो सकता है, स्क्रोटम में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ द जनरल कंडीशन। अब हाइड्रोसील दो तरह की होती हैं, एक कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील होता है, एक नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील्स होता है। देखिए कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील क्या होता है, बेबीज़ में होता है, इन्फैंट में। अब कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील्स में क्या होता है कि इसका एब्डोमिनल फ्लूइड से कॉन्टैक्ट रहता है, इस हाइड्रोसील में ये जो एब्डोमिनल फ्लूइड है ये इन्वॉल्व होता है। अब ये एब्डोमिनल फ्लूइड मैंने आपको पहले ही बताया कैसे आएगा स्क्रोटम में, वाया दिस पाइप प्रोसेसस वेजाइनालिस के थ्रू। ठीक है, ये ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे लिक्विड आ जाता है और ये स्क्रोटम स्वेल किया हुआ फील होता है। तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में यही कंडीशन होती है, इसका एब्डोमिनल फ्लूइड से कॉन्टैक्ट होता है, और ये हाइड्रोसील जब बच्चों में होती है तो ये दिन भर में साइज बदलता रहता है स्क्रोटम का। ठीक है, दिस इज़ द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। अब नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील की अगर हम बात करें, तो ये हाइड्रोसील का एब्डोमिनल फ्लूइड से कुछ खास लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी
स्क्रोटम रीजन में फ्लूइड फिल हो जाता है, ठीक है। इसका एब्डोमिनल फ्लूइड से कोई लेना देना नहीं होता। और ये जो हाइड्रोसील होती है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील, ये साइज नहीं बदलती है, ये एक ही साइज की रहती है और धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। अब देखिए डायग्नोसिस की बात करें तो आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जो चीज़ की जाती है दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से साइज का पता चल जाता है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई ख़ास ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ अगर ट्रीटमेंट की ही बात की जाए तो एक सर्जिकल ऑप्शन बचता है, सर्जरी करके जो ये फ्लूइड यहाँ फिल हुआ है इसको निकाल लिया जाएगा। और इस सर्जरी में जो इंसीशन लगता है बहुत छोटा सा कट लगता है और एक रात के बाद पेशेंट अपने घर जा सकते हैं नॉर्मली। इस पेन को ओवरकम के लिए उनको दर्द की दवाइयाँ दी जाती हैं। एक ये ऑप्शन होता है, एक ड्रेनेज का ऑप्शन होता है। ड्रेनेज क्या किया जाता है, मतलब कि किसी चीज़ से पानी को निकालना। अब वो कैसे निकालेंगे, सिरिंज के थ्रू। सिरिंज को क्या करते हैं, स्क्रोटम में इंजेक्ट करके पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक बार अगर ड्रेन किया तो दोबारा नहीं होगा, ठीक है। ये हाइड्रोसील बार बार भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने बाद दोबारा से आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरी स्क्लेरोथेरेपी की अगर बात करें तो ड्रेनेज के बाद भी इस मैंने जैसे कि बताया ड्रेनेज के बाद भी हाइड्रोसील वापस आ जाती है। तो अब उस कंडीशन में जिसमें हम सर्जरी नहीं प्रीफर कर सकते, उस कंडीशन में एक ऐसा सोल्यूशन इंजेक्ट कर दिया जाता है निडल के थ्रू, ताकि ये जो हाइड्रोसील है ये बार बार ना हो, ठीक है। तो ये हाइड्रोसील का मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताने की कोशिश की, कैसे होता है, क्या होता है इसमें, क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो दिस इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोसील। नहीं इस पे ध्यान दिया जाता है तो मैंने जैसे कि बताया स्क्रोटम इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के भी केसेस हो सकते हैं, और यस कैंसर के भी केस बन सकते हैं, यस ट्यूमर्स भी फॉर्म हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद अल्ट्रासाउंड एंड देन गो फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट इफ रिक्वायर्ड आफ्टर कंसल्टिंग द फिजिशियन। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ हर बार। आप एक बार उस चैनल को भी प्लीज़ 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 विज़िट करें, वहाँ भी वीडियो देखें, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।